सब्सक्राइब करें ZA क्लासेस को और नई वीडियो देखने के लिए घंटी बटन को दबाएं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ZA क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। ये बराबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए पावर 2 प्लस 7A प्लस 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो दोस्तों, ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है ए स्क्वायर बराबर, दोस्तों होता है ए स्क्वायर बराबर ए क्रॉस ए, लिख सकते ए गुणे ए लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का ए में गुणा करना है तो ए को लिख दिया जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर इंटू ए दोस्तों, फिर ए को यही लिखा जाएगा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ए का दोस्तों ए में क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले रो के सापेक्ष गुणा होगा, दूसरे रो का दूसरे, ऐसे रो बाई कॉलम का गुणा होगा। तो चलते शुरू करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम में गुणा होगा, तो यहाँ 1 का 1 में गुणा होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 0 के 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और फिर 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दुनी 4 हो जाएगा। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में गुणा होगा, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, और 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर 2 का 0 में गुणा होगा वो भी 0 हो जाएगा। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम में गुणा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 1 2 2, 0 का 1 में गुणा होगा 0, और फिर 2 का 3 में गुणा होगा 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे, 0 का 1 में गुणा होगा 0, 2 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, और 1 का 2 में गुणा होगा 1 2 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में गुणा होगा, 0 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा 2 दुनी 4 हो जाएगा, और 1 का 0 में गुणा होगा 1 0 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में गुणा होगा, 0 का 2 में गुणा होगा 0, और 2 का 1 में गुणा होगा 2 1 2 हो जाएगा, और 1 का 3 में गुणा होगा दोस्तों 1 3 3 हो जाएगा। अब थर्ड रो से करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 0 का 0 में गुणा होगा 0 रहेगा, और फिर 3 का 2 में गुणा होगा 3 दुनी 6 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में गुणा, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, और फिर 3 का 0 में गुणा होगा दोस्तों वो भी 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में गुणा होगा, 2 दुनी 4 हो जाएगा, और 0 कम 0 हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा होगा 3 3 का 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, 4 और 1 जोड़ेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 0 0 ही होगा, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ेंगे 2, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 होगा, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 0 और यहाँ 9 और 4 जोड़ेंगे 9 4 13। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है? ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है। ए क्यूब निकालेंगे दोस्तों, हमको ए क्यूब भी लाना है, ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो क्या मिलेगा? ए क्यूब मिल जाएगा। तो चलते हैं ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर लिख लिए 2 4 5 8 0 13,
इंटू ए, ए की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों, 102 और 021 और 203 दिया गया। ये दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी गई है और ये इंटू ए की वैल्यू लिखी गई। अब रो बाई कॉलम से गुणा करेंगे, रो बाई कॉलम का जब गुणा करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम में गुणा होगा, पाँच कम पाँच हो जाएगा, प्लस ज़ीरो का ज़ीरो में गुणा होगा ज़ीरो, आठ का दो में गुणा होगा आठ, दुनी 16 हो जाएगा। या फिर पहले रो का सेकंड कॉलम में गुणा होगा, पाँच ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का दो में गुणा होगा ज़ीरो हो जाएगा, आठ का ज़ीरो में गुणा होगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर पहले रो का थर्ड कॉलम में दोस्तों गुणा होगा, तो यहाँ पाँच का दो में गुणा करेंगे, पाँच दुनी 10, ज़ीरो का एक में गुणा होगा ज़ीरो, और आठ का तीन में गुणा होगा, आठ तरीका 24 हो जाएगा। अब सेकंड रो से करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो दो एक कम दो मिलेगा, और चार का ज़ीरो में गुणा करेंगे ज़ीरो, और पाँच का दो में गुणा करेंगे, पाँच दुनी 10 आएगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में गुणा होगा, दो का ज़ीरो में गुणा करेंगे ज़ीरो, और चार का दो में गुणा करेंगे, चार दुनी 8 हो जाएगा, और पाँच का ज़ीरो में गुणा करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। फिर सेकंड रो का दोस्तों थर्ड कॉलम में गुणा होगा, दो का दो में गुणा करेंगे, दो दुनी 4, और चार का एक में गुणा करेंगे, चार एकम 4 हो जाएगा, और फिर पाँच का तीन में गुणा करेंगे, पाँच किया 15 आएगा। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे, आठ एकम 8 हो जाएगा, प्लस ज़ीरो का ज़ीरो में गुणा होगा ज़ीरो, और 13 का दो में गुणा होगा, 13 दुनी 26 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में गुणा होगा, आठ का ज़ीरो में गुणा करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो का दो में गुणा करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, और 13 का ज़ीरो में गुणा होगा ज़ीरो हो जाएगा। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में गुणा होगा, आठ दुनी 16 हो जाएगा, ज़ीरो का एक में गुणा होगा ज़ीरो, और 13 का तीन में गुणा होगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। या आप इसको दोस्तों हल करेंगे, ए क्यूब बराबर मिलेगा 16 और 5 जोड़ेंगे, 16 5 21 होगा, और 0 0 ही होगा, 24 और 10 मिलके 34 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 10 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 8 और 0 जोड़ेंगे 8 ही रहेगा, और यहाँ पे 15 4 19 4 23 हो जाएगा। यहाँ पर 16 और 8 जोड़ेंगे 26 और 8 जोड़ेंगे 26 और 8 34 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 39 और 16 जोड़ेंगे 9 6 15 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 55 आएगा, 39 और 16 55 आएगा। अब ए क्यूब की वैल्यू मिल गई दोस्तों, निकालना हमको क्या, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0। चलते हैं, ए क्यूब माइनस 6 ए की पावर 2 प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0, इसकी वैल्यू निकालना है। तो 2 आई बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, ए क्यूब की वैल्यू क्या आई है, जो आई दोस्तों इसको लिख लिया जाएगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब की वैल्यू आई दोस्तों। ए स्क्वायर में कितने से गुणा करना है, 6 से, तो माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है, इसको लिख लेंगे 5 0 8
दो चार पाँच दिया गया है, दो चार पाँच आठ ज़ीरो तेरह दिया गया, आठ ज़ीरो तेरह दिया गया। अब सेवन ए दिया गया है, प्लस सेवन ए प्लस सेवन, और ए की वैल्यू क्या दी गई है, 102 दिया गया है, और 021 दिया गया है, और 203 दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों फिर क्या है, प्लस दो आई है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो से गुणा करना है, दो गुणे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 01 0 001, यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये जैसे लिखा है ऐसे लिख लेंगे, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये 6 से गुणा करना है दोस्तों, 6 से गुणा कर लेंगे सेकंड मैट्रिक्स में, 6 5 30 6 0 0 6 8 48 हो जाएगा, 6 2 12 6 4 24 और 6 5 30 हो जाएगा, 6 8 48 और 6 का 0 में गुणा होगा 0 और 6 के 13 में गुणा होगा 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 के इसमें गुणा करना है, 7 के गुणा करेंगे 7 एकम 7, 0 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 7 0 0 7 2 14, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 0 0 7 3 21 हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का गुणा करना है दोस्तों, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 0 0 0 2 0 हो जाएगा, और 0 0 2 हो जाएगा, सिर पे जहाँ पे 1 होगा वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हल करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को घटा लेंगे, बाकी जो आएगा फिर उसको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों, आएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, एक यहाँ पे A11 को A11 के साथ घटाएंगे दोस्तों, 30 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा, -9 आएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 ही रहेगा, और यहाँ 48 में 34 घटाएंगे तो -14 आएगा, यहाँ 12 में से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, और 24 में से 8 जाएगा -16 हो जाएगा, और 30 में से 23 निकालेंगे तो -7 आएगा, यहाँ 48 में से 34 घटाएंगे दोस्तों तो -14 आएगा, और 0 में 0 घटाएंगे 0, और यहाँ पे 78 में से 55 घटाएंगे तो 8 में 5 जाएगा 3, और 7 में 5 जाएगा 2, -23 आएगा दोस्तों। प्लस जो लिखा है यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, 7 और 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 होगा, 0 0 मिलके 0, और 14 और 0 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 जोड़ेंगे 0, 14 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, 7 और 2 जोड़ेंगे 7 2 9 होगा, 0 0 जोड़ेंगे 0, 14 0 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 14 2 जोड़ेंगे 16, और यहाँ पे 7 और 0 जोड़ेंगे 7 आएगा,
14 जीरो जोड़ेंगे 14 रहेगा, 0 और 0 जोड़ेंगे 0, 21 और 2 जोड़ेंगे 23 आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को फिर जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़ने पे -9 और +9 मिलके 0 जाएगा, 0 और 0 मिलके 0, -14 और +14 मिलके 0 हो जाएगा, 0 और 0 मिलके 0 हो जाएगा, -16 और +16 मिलके ये भी 0 हो जाएगा, -7 और +7 मिलके 0 हो जाएगा, -14 +14 0 हो जाएगा, 0 और 0 मिलके 0 हो जाएगा, -23 और +23 मिलके 0। तो ये जो हल करना था दोस्तों, ए की -6 ए स्क्वायर +7 ए +2i बराबर 0, तो यहाँ पर ए क्यूब -6 ए स्क्वायर +7 ए +2i बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुई, यही हमारा आंसर रहेगा।